दोस्तों, क्या आपकी आंखें भी अंदर धंसती जा रही हैं, या आंखों के नीचे झुर्रियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता जा रहा है और आप इसके लिए बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आज का मेरा वीडियो अगर आप स्टार्टिंग टू एंड ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बस आपको आसान सी 4 टिप फॉलो करनी है और वो बेहद आसान है। उन टिप्स को फॉलो करने से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, वो भी कुछ ही दिनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा यंग दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा एडवांस जमाना आ चुका है, हर कोई अपने एज को छुपाना चाहता है और हम कई लोग फिजिकली इतने फिट दिखते हैं कि पता नहीं चलता उनकी एज क्या है। लेकिन सबसे पहले नजर जब हम उनके फेस पर लेकर जाते हैं तो सबसे पहले उनकी आंखों को देखकर हमें पता चल जाता है कि उनकी एज क्या है, चाहे वो जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आंखों के साइड पे और नीचे जब झुर्रियां आने लगती हैं तो इससे उनकी एजिंग का पता चल जाता है कि उनकी एज ज्यादा हो चुकी है। और बहुत लोगों की एज नहीं भी होने पर उनकी आंखों के नीचे की झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं, काले घेरे आने लगते हैं। तो इस समस्या से बचने के 4 आसान से उपाय हैं जिसको मैं शेयर करने वाली हूं। टिप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। जब आपकी आंखों की स्किन जो होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है, तो जब वो बिल्कुल ही ड्राई होने लगती है, रूखी होने लगती है, तो वहां पे झुर्रियां आने लगती हैं, काले घेरे आने लगते हैं या फिर आंखें आपकी अंदर धंसने लगती हैं। तो आईज को हमने हाइड्रेट कैसे करना है, आपने लेना है 2 से 3 ड्रॉप हनी। हनी से आपने अपने आंखों के नीचे और अपनी आईलेट पे, यानी अपनी आंख की जो ऊपर की परत होती है, उस पर आपने हल्के हाथों से मसाज करना है और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। इस आधे घंटे में आप थोड़ी देर के लिए नैप ले लीजिए, यानी थोड़ी देर के लिए नींद ले लीजिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी आंखें अंदर से भी रिलैक्स हो जाएंगी, बाहर से भी रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है, ठीक है, आप थोड़ा सा अनईजी सा फील कर रहे हैं लगाने के बाद हनी को, तो आप किसी भी मोबाइल फोन या टीवी का इस्तेमाल ना करें, अपनी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, ठीक है, उन पे स्ट्रेस ना दें। आधे घंटे बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लें, बहुत हल्के हाथों से, रब नहीं करना, कभी भी टॉवल से आपने कस के अपनी आंखों को नहीं मलना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी वहां पे छोटी छोटी नसें होती है जो डैमेज हो जाती है जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। तो इससे आप नोटिस करेंगे कि लगातार अगर आप हनी अपनी आंखों पर 2 महीने तक मसाज करते हैं, ये मिनिमम टाइम है, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं कि आपने लगाया और कल असर हो गया, रेगुलर एक नियम बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर 2 महीना अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों की जो झुर्रियां थी, जो बहुत ज्यादा आ चुकी थी, वो बहुत पहले से रिड्यूस हो जाएंगी, काले घेरे खत्म हो जाएंगे, आपकी आंखें जो धस गई थी अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगा, ट्राई करना और कमेंट जरूर करना, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ अपनी इस रेमेडी को लेकर। टिप नंबर 2 आती है आईज मेकअप। अगर आप लोग भी अपनी आंखों में रेगुलर काजल या रेगुलर मेकअप करते हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी आंखें ना धीरे धीरे अंदर धंसने लगती हैं, उनमें बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि आपकी स्किन है, आपकी स्किन को चाहिए सांस। अगर आप उनको ब्रीथ नहीं लेने देंगे, सांस नहीं लेने देंगे, तो उससे आपकी आंखें जो है अंदर धंसने लगती है, एजिंग आने लगती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी आंखों पर बहुत कम मेकअप करें, रेगुलर तो बिल्कुल ना करें, ठीक है, और अगर करना भी पड़ रहा है तो अच्छे से मेकअप रिमूवर से रिमूव करके ही सोएं, चाहे वो काजल ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी खूबसूरती या ऐसे फैशन का क्या फायदा जिसकी वजह से आपकी एज भी ना हो और झुर्रियां आने लगे और लोग सोचें कि आप बूढ़े हो चुके हो, या काले घेरे आ जाएं, या फिर आपकी आंखें अंदर धंस जाएं। कभी नोटिस करना, जो बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं जो मेकअप करते हैं रेगुलर, उनकी आंखें जो ओरिजिन होंगी वो हमेशा धंसी हुई होंगी, या झुर्रियां समय से पहले जरूर आएंगी, या काले घेरे जरूर होंगे, क्योंकि मेकअप जो होता है हमारी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देता है और हमारा जो आई एरिया होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, और हमारी आईज कम से कम डेली का 90% काम बॉडी का सबसे ज्यादा वही करती है, क्योंकि आप अगर मोबाइल देख रहे हो या म्यूट पे भी कुछ देख रहे हो तो भी आपकी आंखें चल रही होती है ना, कहीं ना कहीं हमेशा आपकी आंखें काम कर रही होती हैं, तो उनकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर थ्री क्या है, आपने क्या करना है, ग्रीन टी बैग्स का यूज करना है। जब हम ग्रीन टी घर पे बना रहे हैं, नहीं भी बना रहे तो आप ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दो, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करती है, आपके डाइजेशन को अच्छा करके आपके फैट को रिड्यूस करती है, तो जो उसका जो पत्तियां बचेंगी या ग्रीन टी जो बैग्स बचेंगे जो आपने डिप कर लिया, तो उसके बाद उसको फेंको नहीं, फ्रिज में रखो। फ्रिज से आप आधा घंटा रखने के बाद वो टी बैग्स अपनी आंखों पे रखकर आधे घंटे के लिए लेट जाओ, उससे आपकी आंखों की जो झुर्रियां हैं, पफिनेस है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी एजिंग को स्लो डाउन करते हैं, आपके काले घेरों को खत्म करेगी, आपकी आंखें जो धस गई हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब बारी आती है टिप नंबर 4 की।
टिप नंबर 4 है कि आपने अपनी आंखों को रब नहीं करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपनी आंखों को बहुत जोर जोर से रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है, उनके आसपास की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वहाँ पे छोटी छोटी हमारी नर्व्स होती है जो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। जब डैमेज होती है तो काले घेरों की समस्या, आंखें धंसने की समस्या और साथ में आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने आंखों की जो मसलने की प्रॉब्लम है उसको हटाना है, या बहुत हल्के हाथों से अगर आपको ईचिंग हो रही है तो बहुत हल्के हाथों से आपने ईचिंग करना है, ठीक है। तो बस ये आसान सी 4 चीजें फॉलो करें और फिर देखें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कुछ बेहतर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।